ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सर, पंचायत चुनाव में आपको लगता है कृषि कानूनों का जो मुद्दा है वो आप चुनावी मुद्दा? निश्चित रूप से है भाई, जो किसान और किसानी को प्रभावित करने वाले कानून बनाए हैं, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है, उसका स्वाभाविक रूप से असर पड़ेगा। अब केंद्र की सरकार अपने खुद के कैबिनेट मंत्री को समझा नहीं पा रही, जो हरसिमरत कौर जी बादल जी थी, इस्तीफा दे दिया उन्होंने, तो किसान को अब क्या समझाएंगे? इसलिए किसान समझ रहा है कि ये पूंजीपतियों के हाथ में किसान का भविष्य बेचने का काम सरकार कर चुकी है। वो तो हमारी सरकार ने, राजस्थान ने संशोधन किया है, वो जो कानून बने थे उसके विपरीत हम लोगों ने कुछ कानून पास किए हैं विधानसभा के अंदर, ताकि लोगों को ये विश्वास रहे कि सब लोग बीजेपी की तरह काम नहीं करते हैं, किसान हितैषी लोग भी हैं सरकार चलाने वाले। सर, ऐसा है, MSP को अगर केंद्र की सरकार चाहती है, जैसे बार बार प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि MSP को नहीं हटाएंगे, तो उन्होंने अपने कानून में उसको क्यों लेकर नहीं आए? हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी किया है और समय रहने पर हम लोग बोनस आदि भी देते हैं। केंद्र सरकार ने मना कर रखा है बोनस देने के लिए भी। MSP को लेकर हमारे संघर्ष इस बात पर है कि MSP को ख़त्म ना करें, मंडियों ख़त्म ना करें। हमारे जो 3 कानून बने हैं उससे लगता है लोगों के अंदर एक विश्वास पुनः पैदा हुआ है कि प्रदेश की सरकार और कांग्रेस पार्टी किसान हितैषी है और भाजपा के हर किसान विरोधी जो कदम उठाएंगे उसका विरोध हम करेंगे। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।